तो आज बनेगी इसी की रेसिपी। तो ये क्या है, तो देखिए इसे राम पेहका बोलते हैं, गांव में होता है ज्यादातर बाजरी उजरी के खेत में, और बहुत ही सस्ता सब्जी है, फ्री का सब्जी है ये। तो ये ज्यादातर गांव में ही मिलता है और ये कुनूरू की तरह होती है, एक तरह से फल भी है सब्जी भी है। तो पकने पे इसे ऐसे ही धो के खाया जाता है, बीज सहित इसे खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है। और जो कच्चा रहता है तो हल्का सा तीखा होता है, कड़वा लगता है। तो आज इसी की सब्जी हम बनाएंगे। तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि राम पेहटा की सब्जी जो लोग बराबर खाते रहते हैं मौसम में, तो उन्हें बुखार उखार नहीं होती। आजकल के लोग तो ये सब सब्जियों से दूर ही रहते हैं, तो बुखार भी उनके नज़दीक ही रहता है। तो चलिए हम बनाते हैं, सबसे पहले इन्हें धो लेते हैं। तो ये सब सब्जियां बोई नहीं जाती, खुद ब खुद बाजरे के खेत में अपने से उगते हैं और फलते हैं। तो मम्मी के खेत में था, बालू के ऊपर, जहाँ मम्मी ने बालू रखा हुआ था तो वहीं पे था। कुछ बाजरे के खेत में से भी दो चार पेहटा लाए हुए हैं और इन्हें राम पेहटा बोलते हैं। थोड़ा सा इनसे जो छोटा होता है उन्हें पेहटा बोलते हैं, ये थोड़ा बड़ा वाला है तो इन्हें राम पेहटा बोलते हैं। इसकी फूट हो जाती है पकने के बाद, उन्हें फूट बोलते हैं। तो फूट बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट होती है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार इन्हें धो के इसका मिट्टी साफ कर लेते हैं। तो इन्हें हम धो चुके हैं, चलते हैं इसे काटने। और यह एक कुनूरू और पटर की तरह सब्जी होती है, इसके देखिए अंदर कैसा होता है। गांव में तो सभी लोग जानते ही हैं, पर जो लोग नहीं बनाए हैं खाए हैं, तो देखिए इस तरह से कट करने पे अंदर कैसा होता है बीज ऐसे। तो इन्हें हम छिलका नहीं उतारेंगे, बस इसके बीज थोड़ा कड़वा होते हैं तो बीज को इस तरह से ऐसे निकाल देंगे। बस ऐसे हम कट करके साफ करके रख लेंगे। बीजों को पशुओं को दे देंगे खाने के लिए। तो सभी बीज निकाल के इन्हें धोएंगे, धोकर फिर कट करेंगे। तो सभी बीज हम निकाल चुके हैं, अब इन्हें पानी से अच्छे से धो लेंगे दो तीन बार। हाथों से इसे थोड़ा सा रगड़ के अच्छे से हम धो लेंगे। तो देखिए धोने के बाद इस तरह से एकदम साफ रहना चाहिए, बीज इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसे हम
बारीक काट लेते हैं। इस तरह से हमें पतला पतला काट लेना है और देखिए बीज निकालने पे कितना मोटा है इसका सतह। तो इसी तरह से हम इसे बारीक काट के तैयार कर लेते हैं और साथ में लहसुन मिर्च भी तैयार कर लेते हैं बारीक काट के। अभिमानी स्त्री अपने बर्ताव से अपने पुरुषों को वश में करती है, चतुर होती है। अपने तो सब्जी हम काट के तैयार कर लिए हैं, साथ में लहसुन और मिर्च भी, एक गांठ हम लहसुन लिए हैं, दो लाल मिर्च। और सब्जी हमें इस तरह से रखना है, एकदम बारीक काटना है, इसमें पानी थोड़ा सा भी ना हो। तो सभी तैयारियां कर लिए हैं, चलते हैं बनाने। यहाँ हम तवा रख दिए हैं गरम होने के लिए, थोड़ा सा गरम हो गया है। इसमें हम 50 ग्राम तक तेल लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम एक गांठ लहसुन बारीक कटा हुआ डाल देंगे, थोड़ा सा लहसुन सुनहरा होने पे इसमें दो लाल मिर्च बारीक कटे हुए डाल देंगे, बारीक कटे हुए पेहटा इसमें हम डाल देते हैं, पेहटा की सब्जी। इन्हें डाल के अच्छे से हम 2 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। आधा चम्मच हल्दी इसमें हम डालेंगे, स्वाद अनुसार हम नमक इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी और नमक डाल के अच्छे से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम ढक के मीडियम आंच पे, धीमी आंच पे पकाएंगे। पांच मिनट बीत चुके हैं, अब चलते हैं इसे एक बार चलाएंगे। तो देखिए सब्जी बहुत ही बढ़िया हो चुका है, पक गया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, तो एक कलौंजी मसाला है, भुना हुआ धनिया पाउडर, भुना हुआ सौंफ पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, तीनों मिक्स है, लगभग 2 चम्मच हम लिए हुए हैं। तो इन मसालों को इसमें हम डाल देंगे। गांव में इन्हें कलौंजी मसाला बोलते हैं, तो कलौंजी मसाला हम लोग बना के रखे रहते हैं, कोई भी सब्जी जब बनाना हो तुरंत बना लेते हैं। तो इस तरह से हम कलौंजी मसाला डाल के लगभग 5 मिनट इन्हें और पकाएंगे और बीच में 1-2 बार चलाते हुए इन्हें हम पका लेते हैं लगभग 5-7 मिनट तक। 5-7 मिनट तक बीत चुके हैं और सब्जी पक गई है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए राम पेहटा की सब्जी, भुजिया सब्जी बन के तैयार है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त कलौंजी के रूप में हम बनाए हुए हैं और इसी तरह से हम लोग कई बार बना खाए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। रोटी के साथ खाएंगे, बहुत ही मस्त लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा और इसे पकाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, 10-15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी होती है। अब इसे हम उतार देते हैं और गर्मा गर्म परोस देते हैं खाने के लिए। तो राम पेहटा की भुजिया सब्जी बनके तैयार है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फेसबुक के जो लोग देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।